उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ढेबरा इलाके में यूएस एकेडमी की बस पलट गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के लोगों ने जिला अस्पताल गोरखपुर लाया। दो बच्चों साहुआ निवासी 13 वर्षीय साक्षी विश्वकर्मा और मठिया निवासी कक्षा 7 की छात्रा 13 वर्षीय प्रतिभा की मौत हो गई। वहीं आशुतोष कुमार को पैनेशिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति के विवाद पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक्टर की मां और सभी विरोधी भाई बहनों को नोटिस जारी किया। सिविल सीनियर डिवीजन में अगली सुनवाई 7 मार्च को होनी है। अभिनेता के भाई शमसुद्दीन ने संपत्ति के बंटवारे के लिए 17 नवंबर 2023 को अदालत में याचिका दायर की थी। सभी 8 उत्तरदाताओं सहित अभिनेता को अदालत द्वारा नोटिस भेजा गया है। विवादित संपत्ति में बुढ़ाना स्थित एक पुश्तैनी मकान और 21 दुकानें शामिल हैं। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इलाहाबाद जिला न्यायालय की विशेष MPMLA कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। भाजपा और बसपा दोनों सरकारों में पूर्व मंत्री रहे त्रिपाठी पर आरोप लगाया गया था कि बसपा सरकार में मंत्री रहते पूर्व मंत्री ने अकूत संपत्ति अर्जित की थी। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिए गए बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड ने सजा रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने गोंड को निचली अदालत, विपक्ष और राज्य सरकार से रिकॉर्ड मांगते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले को नया मानते हुए अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की गई है। अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की भी अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की है। आज उन्होंने इंदिरा गांधी का एक पत्र साझा किया, जो 1971 में सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को लिखा गया था, जिसमें युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साहस और वीरता के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त की गई थी। पत्र में इंदिरा गांधी ने सैनिकों की बहादुरी को स्वीकार किया और जनरल मानेकशॉ के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बृजभूषण शरण सिंह की भले ही विदाई हो गई हो, मगर WFI के अध्यक्ष का पद अब भी उन्हीं के खेमे में है। 21 दिसंबर को हुए भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण के करीबी संजय कुमार सिंह को जीत मिली है। संजय सिंह का मुकाबला कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुकी अनीता श्योराण से था। अनीता श्योराण महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाह भी है। उन्हें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन था। वही भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने संजय सिंह की चुनावी जीत को मुख्य कारण बताते हुए गुरुवार को संन्यास की घोषणा कर दी। सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, सपा, अपना दल, कैमरावादी और कम्युनिस्टों सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने बांह पर काली पट्टी बांधी और अंबेडकर प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने कहा कि संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक पर सरकार सवाल उठाने वालों को जवाब देने के बजाय चुप्पी साधने में ज्यादा लग रही है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने आज सीएम योगी से मुलाकात की, जहां उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार और कई मुद्दों पर चर्चा की। राजभर के बेटे और पार्टी के महासचिव भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद राजभर के चेहरे पर खुशी छाई थी। राजभर को मंत्री के रूप में फिर से शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें, ओपी राजभर पहली सरकार में सीधे सीएम योगी से टकराए थे और उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था।